हुए, कितने लोग घायल हैं इसमें? देखिए, आपको विदित होगा कि 3 दिन पूर्व 6 तारीख को देर रात्रि को एक घटना हुई थी, जिसमें एक मोहम्मद समीर नाम के युवक से मोबाइल और बाइक लूटी गई थी, और तत्पश्चात उसके परिजनों के द्वारा और गांव के लोगों के द्वारा जब अपराधियों को घेरने का प्रयास किया गया तो उसी दौरान अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई और उसमें 2 युवकों को गोली भी लगी, जो कि आज बिल्कुल ठीक हैं। इसी घटना की गंभीरता को देखते हुए जनपद स्तर पर 7 टीमों का गठन किया गया था, और जिसमें सीओ रानीगंज विनय साहनी के नेतृत्व में सर्विलांस टीम और हमारी स्वॉट टीम के द्वारा काफ़ी अधिक परिश्रम किया गया। अपराधियों के मॉडस ऑपरेंडी के आधार पर उनको मैनुअल और सर्विलांस इनपुट पर उनको आइडेंटिफाई किया गया। आज सुबह सूचना मिली कि वो 5 अपराधी लूट की डकैती की योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित किया जाएगा। इसी क्रम में टीम के द्वारा जब घेराबंदी की गई तो तोकलपुर के पास में बदमाशों के द्वारा टीम पर फायरिंग की गई और जवाबी कार्रवाई टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ प्रयोग में लाई गई। इसमें 3 बदमाशों को गोली लगी है, जिनके नाम सद्दाम अरबाज और मोहम्मद इस्लाम है। ये वहीं उसी क्षेत्र के आसपास के रहने वाले हैं। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर 2 बदमाश भागने में सफल रहे हैं, जिसके संबंध में कॉम्बिंग कराई जा रही है, और इनके पास से घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है वो भी बरामद हुई है, और इनके पास से 315 के 2 तमंचे और 12 बोर का 1 तमंचा भी बरामद हुआ है।